नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज नीमका थाना रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जो DRM है नरेंद्र सिंह वो आए हैं और ये देख सकते हो वास्तव में आज एक अलग नजरिया देखने को मिला कि DRM सर है जो इनके पैर में भी चोट है और SOS था थोड़े, लेकिन फिर भी अपनी रेलवे की जो जिम्मेदारी कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहे हैं देश सेवा और रेलवे की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत करना चाहूंगा नीमका थाना में झलको शेखावटी के माध्यम से। लेकिन सर, नीमका थाना में व्यापार मंडल है जो अनेक ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी मांग है जो ट्रेनों का संचालन है वो सर नई लाइन पड़ने के बाद में ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। देखिए, वही बात तो है कि जहां तक ट्रेन स्टॉपेजेस की बात है तो जो कोविड के समय था उसे आज स्थिति बेटर है। पहले बहुत गाड़ियां बीच में बंद हो गई थी, वो शुरू भी हो गई, उनके स्टॉपेजेस भी आ गए। बड़ी लाइन बनने के बाद जो आप पहले छोटी लाइन की कंपैरिजन में जो आप बात करते हैं, जब भी आमान परिवर्तन होता है तो ट्रैफिक जो है नए सिरे से प्लान किया जाता है और रैशनलाइज किया जाता है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि अब शायद जो गाड़ियां पहले थी वो बदल गई, बट ओवरऑल रेलवे का फोकस रहा है कि आपकी फैसिलिटीज बढ़ती जाए, ऐसा नहीं है कि आपकी फैसिलिटी घट गई। और जब कोई बहुत ही आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो ऐसा नहीं कि सरकार सुनती नहीं है। अभी जैसे आपका ये आपकी एक ट्रेन जो पिछले सप्ताह शुरू हुई है, ये आप लोगों का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था तो इसको किया गया। अभी भी यहाँ के लोगों ने कुछ एक दो ट्रेन के बारे में बात की है, एक शटल की बात की है, तो उसे भी हम देख लेंगे। क्योंकि ट्रेन चलाने में तीन चीज़ देखनी होती है कि उसकी पैसेंजर पोटेंशियल कितनी है। हो सकता है नीम के थाना में हो बट मेरे को तो पूरे रूट की देखनी है। दूसरा कि चूंकि इस पटरी पे ऑलरेडी काफ़ी गाड़ियां चल रही हैं, क्या और गाड़ियां हम चला सकते हैं और उस समय पे चला सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। रात में कोई शटल चला के तो फायदा नहीं है। और तीसरा है कि हमें अपने पटरी की मेंटेनेंस भी करनी होती है। तो अगर गाड़ी हम उसी हिसाब से चलाते हैं कि हम बीच में हमें एक थोड़ा गैप मिल जाए 2-3 घंटे का कम से कम, जिसमें कि हम ट्रैक सेफ्टी वर्क्स करवाएं, तो ये कुछ हमारी बंदिशें हैं जिनके अंदर हम हर प्रपोजल जो है या जनता की जो डिमांड है उसको देखते हैं। तो अभी जो यहाँ पे बताया गया है हम उसको भी एग्जामिन करेंगे और अगर ज़रा भी हमें पॉसिबिलिटी लगा कि ये हो सकता है तो हम निश्चित रूप से उसको जो है रेकमेंड करेंगे हेडक्वार्टर को आगे सेक्शन। बिल्कुल सर, लाखों करोड़ों लोगों की मांग है, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, श्री माधोपुर, नीम का थाना, रिंगस, ये सर ये इनसे करोड़ों लोग जुड़े हैं इस मार्ग से। और दूसरा जो सीकर से जयपुर के लिए 10-12 करीब ट्रेन है, लेकिन नीम का थाना को सर वो सुविधा इस मार्ग को नहीं दी गई, जिसमें श्याम भक्त भी काफी यहाँ पर इस मार्ग से आते हैं और आवाजाही ज्यादा होती है ट्रेनों से, और जो बस का साधन है, जो परिवहन है रोड का, उससे सुगम साधन है रेलवे का। तो जनता की सर ये मांग है, उस पर आप ध्यान करें तो काफी। नहीं, नहीं, हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये आप सही बोलते हैं कि गाड़ियां और बढ़नी चाहिए, स्पेशली इस रूट पे। जैसे जैसे फिजिबिलिटी आएगा और हमें लगेगा कि ये वाइबल है उसको हम करेंगे। अभी जो पहले जो 2-3 ट्रेन, देखिए मैं फरवरी में आया था तो मुझे 2-3 ट्रेन दिया गया, तो एक का होमवर्क करके हम लोगों ने कर दिया। आज फिर हमें 3 का होमवर्क दिया गया है तो हम वापस जा करके इस पे काम करेंगे और फिर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, वो जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे उन्होंने भी कहा था, डाबला में ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया था, उस अंडरपास की भी समस्या है, कुछ रेलवे क्रॉसिंग करते हैं वो दुर्घटनाएं भी हो रही है, रेल भी हो रही है। एक चीज का ये सर लाइन पार करते हैं उसके लिए थोड़ा व्यवस्था नहीं। पहली बात, जहां तक अंडरपास की बात है तो एक पहले बहुत शिकायत रहती थी कि अंडरपास में बरसात में पानी भरा रहता है और ये ऑनरेबल रेल मंत्री ने ही सख्त हिदायत दी थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस बरसात में 22 में हमने खास ध्यान रखा और हमारे इंफॉर्मेशन में पिछले साल के वनस्पत दिक्कतें काफी कम हुई हैं।
एक डाबला वाला अंडर पास का भी नहीं सर, ये तो काफी सुनने में आया है, अभी काफी अंडर पास की समस्या समाप्त हो चुकी है, लेकिन सर एक समस्या उससे पैदा हो गई, वहाँ पे अंडर पास का पानी निकालने के लिए खड्डा बनाया गया सिस्टम, उसमें जो खड्डे को कई खुले पड़े हैं वहाँ पे, उन खड्डों में दुर्घटना होती है सर, वो क्रॉसिंग में आता है और खड्डों में बाइक सवार पड़ के दुर्घटना, जैसे एक कल परसों मामला उठाया है यहाँ पे 77 नंबर पे, तो सर ये खड्डे हो गए वैसे, ये जाल है ना, जाल तो लोग उठा ले जाते हैं और वो खड्डा बच जाता है। देखिए हम दो चीज करते हैं, एक तो हम वो एक सम्प वेल बनाते हैं जिसमें कि पानी नीचे से आ रहा है तो चला जाए, तो मैंने जहाँ तक भी देखा है हर जगह उसके ऊपर थोड़ी हम हाइट रेस करके मुंडेर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे जमीन में खड्डा हो, वो स्ट्रक्चर जो है कुएं की तरह वो ऊपर रेस रहता है। तो अब ये आप जो स्पेसिफिक केस बोल रहे हैं, कौन सा गेट बोला आपने? ये फाटक नंबर 77 पे एक इतना बड़ा खड्डा है सर, उसमें कई बाइक सवार पड़ जाते हैं और वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है किसी, मैं दिखवा लेता हूँ, बट मेरे विचार से वो खड्डा रेलवे का है कि नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि हमारे जो भी खड्डे होंगे अंडरपास के बीचों बीच है, पटरियों के नीचे, पटरियों के नीचे, हाँ जी, अच्छा ठीक, वो के ऊपर ग्रिल लगी रहती है, उसके ऊपर तो ग्रिल लगी, वो उठा ले गए सर, और वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की है, लाखों लोगों की आवाज है वो भी, कि उस खड्डे में जो ही बाइक सवार को दिखे वो पत्थर लगा के आया था तो दिखे, नहीं ठीक है, इंडिकेट उसको हम एड्रेस करवा लेंगे, ये हमारे इन्फॉर्मेशन। देखिये अंडर पास के बीच में हम वो ऐसा सम्प इसलिए बनाते हैं कि जो पानी आता है ना वो उसमें चले जाए, उसके थ्रू नीचे पाइप से वो बगल में कुआं है उसमें चले जाए, तो ये कोई अगर यहाँ पे जो ग्रिल है वो चोरी हो गई है तो इसको हम तुरंत ठीक करवा दें, बस यही सर, और पानी की तो व्यवस्था सही हो गई अंडरपास में, और जिलों के तो बता ही दिए सर, हाँ, वो आपने बता दिया, वो जो जिलों के मजदूर लोग है ना वो बस में जाते हैं, महंगा पड़ता है तो ट्रेन से आ जाए, तो वो मैं देख लिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज DRM सर नरेंद्र ने बात की हमसे और अच्छा लगा काफी, और आशा करते हैं सर आपसे नीम का थाना सहित रेवाड़ी तक के करोड़ों लोगों की ये मांग सुनी जाएगी, इस सीकर की तरह इस ट्रैक को भी ट्रेन दी जाएगी। सांसद महोदय ने मुझे फरवरी महीने से पहले कहा था कि मार्च में ट्रेन चलाएंगे, लेकिन सांसद महोदय का वादा अब जाके नवम्बर में पूरा हुआ, लेकिन मैं सर गुजारिश करूंगा आपसे, क्योंकि आप भी रेलवे के इस उत्तर पश्चिम के कर्तव्य धरता हो, तो इसमें ट्रेन एक दो चलाई जाए जिससे और लोगों को शाम भक्तों को नई ट्रेन के बारे में बता दो, ये आपकी कलम से ही चलती है। और दूसरी बात है कि भाई हमारा तो काम ही है आप लोगों की सेवा करना, जब तक थोड़ी भी गुंजाइश होगी जो भी मैक्सिमम फैसिलिटी है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद DRM सर का, जो अस्वस्थ होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रेलवे ट्रैक का अनेक स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं, धन्यवाद नीम का थाना की आम जनता के हित में ये रिकॉर्ड, धन्यवाद सर। ये अपनी